चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण में 2 महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत के सपनों की उड़ान काजीएसएलवीएम के 3M1 चंद्रयान -2 से सोमवार को यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से सफल प्रक्षेपण किया गया और सपनों को आकार देने में इसरो की 2 महिला वैज्ञानिकों के रूप में नारी शक्ति का एक नया रूप देखने को मिला। ऋतु करिथाल और एम वनिता के लिए आज का दिन एक विशेष दिन था, जो चंद्रयान 2 की क्रमशः अभियान निदेशक और परियोजना निदेशक हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने प्रक्षेपण से पहले जारी एक संदेश में कहा, हमने हमेशा ही यह सुनिश्चित किया कि महिला वैज्ञानिक पुरुष वैज्ञानिकों के बराबर रहें। हमने पाया कि ये महिला वैज्ञानिक यह कार्य करने में सक्षम हैं और इसीलिए हमने उन्हें यह जिम्मेदारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ये महिला इंजीनियर उम्र के 40वें दशक में हैं और इसरो के साथ उनकी सेवा 2 दशक से अधिक की है। ये दोनों महिलाएं वर्तमान समय में बेंगलुरु स्थित वार राव अंतरिक्ष केंद्र में तैनात हैं। ऋतु करिथाल भारत द्वारा 2013 में प्रक्षेपित मंगल ऑर्बिटर मिशन की उपअभियान निदेशक थीं और उनमें विज्ञान के लिए जुनून है। उन्होंने इसरो द्वारा साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, मैंने महसूस किया कि विज्ञान मेरे लिए कोई विषय नहीं बल्कि एक जुनून है। जब मुझे इसरो से नौकरी का पत्र मिला तो मेरे अभिभावकों ने मुझ में अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया और मुझे यहाँ इसरो मुख्यालय भेजा। प्रक्षेपण यान के हार्डवेयर के विकास की देखरेख करने वाली वनिता एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दोनों महिला वैज्ञानिकों को बधाई दी।